उठना चल उठना। I am quite excited. I lost my phone somewhere else, but I couldn't miss the screening. तो मैं late आई हूँ, but I made it. I'm very excited. See, it's Neeraj Pandey sir's film, so it can't be missed. And obviously, the kind of films he's been making, आपको देखनी ही देखनी है वो फिल्म तो. हाँ, डिसअपॉइंटेड नहीं सी. आई थिंक एक फिल्म के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको एक राइट ओपनिंग मिले विद लाइक सोलो रिलीज मिले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पद्मावत का देखेंगे या पैड में देखेंगे या देखेंगे, इक्वली हर फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक इट्स वेरी गुड. आई एम ग्लैड. आई थिंक वी कांट से कि पुश होता गया, वी दे हैड टू लुक फॉर अ राइट रिलीज, राइट? सो आई थिंक अच्छा हुआ, जो तो अच्छे के लिए होता है. थैंक यू. थैंक यू यार. मनोज भैया हमारे फेवरेट है और हमारे भाई है, और उनका परफॉर्मेंस देखने की जो मज़ा आती है और कुछ सीखने मिल जाता है, तो इसीलिए आए. और नीरज पांडे एक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है. बॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर नीरज पांडे. उनकी फिल्म ग्रिपिंग होती है, अच्छी होती है, रियलिस्टिक होती है, तो फिल्म एक नंबर होगी. आई थिंक एक नंबर. ऑफकोर्स मनोज बाज की फिल्म. सिद्धार्थ अच्छा एक्टर है और कर रहा है, लेकिन मनोज भाई इंस्टीट्यूट है और मनोज भाई से सीखने आए. हाँ, आजकल क्या थोड़ी फिल्मों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं. कभी पब्लिक फिल्म रोक देती है, करनी सेना रोक देती है, तो कभी कोई रोक देता है, फिर कभी पैडमैन आ जाता है, कभी अय्यारी. तो पर मैंने कोई फिल्म और देखी नहीं, ये फिल्म देखूँगा. थैंक यू. लेफ्ट साइड मैम यहाँ पे.